नमस्कार, हमें रोहित रवा देखा तनी मैच बॉक्स। अभी हम जहां मौजूद बानी ये सबसे बिहार के प्रसिद्ध मेला हटे बकरी के, जहां पर ये जो जगह बाटे आनंद मठ बकरी हटे, जहां हर एक साल रक्षाबंधन पर मेला लागे लाटे और काफ़ी ज़्यादा जग होला। जहां मौजूद बानी ये श्री श्री 108 जगन्नाथ महाराज जी के समाधि स्थल हटे, काफ़ी ज़्यादा मान्यता बाटे मठ के। बहुत दूर दराज से लोग एजी पूजा अर्चना करे खातिर आवेलाटे, बहुत सारा लोग एजी मनोकामना भी मांगेला और जेकर मनोकामना पूर्ण होला एजी आके जरूर पूजा अर्चना करे आला। देखाए के प्रयास करते ठीक रहुआ सामने रहुआ देख सकता नहीं कि श्री 108 श्री जगन्नाथ महाराज जी के जौन समाधि स्थल बाटे एजी समाधि ले रहनी और ई मठ हटे और हमेशा लगभग एजी के ग्रामीण के द्वारा लगभग हर एक साल एजी पूजा करावल जाला, जग करावल जाला। काफ़ी भीड़ बहुत मात्रा में बहुत सारा श्रद्धालुगण आवे लालो और पूजा अर्चना करे लालो और जौन प्रसाद बाटे जौन जग में उ खा के जरूर जला लो। अंदर चल के देखा के प्रयास करें कि जौन समाधि स्थल बाटे एक प्रकार से अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मान्यता बाटे और ई जौन महिला वालों चाहे पुरुष वालों जे भी जे पूजा अर्चना करेला पूजा करेला और एक और मनोकामना जरूर पूर्ण होला। अब जे भी दर्शक बाटे हम पूछे के प्रयास करें कि लोग कहाँ कहाँ से आइल बा, तो चले रहुआ के श्री श्री 108 बाबा जगन्नाथ जी के समाधि स्थल के दर्शन कराओ। तो देख सकते नहीं कि अभी हम जहाँ मौजूद बानी श्री जगन्नाथ महाराज जी के समाधि स्थल हटे, देखा के प्रयास करते नहीं कि देखिए भक्तगण ओही जी से गोड़ लगाता लो और गोड़ लग के अंदर आता लो तब जाके समाधि स्थल पर जाके पूजा अर्चना करता लो। देखिए अभी ताला बंद बाटे और समाधि स्थल साफ तौर पर दिखाई देताटे अंदर, या कि ए जी समाधि ले रहा रहनी और वहाँ का फोटो चित्र दिखाई दे रहा बाटे जे भी भक्तगण बाटे गेट पर ही पूजा कर जाते, कैसे कि अंदर जाए के अनुमति नहीं दल गई, कैसे कि जे भी भक्तगण बाटे भीड़ भाड़ के देखते हुए ए जी से पूजा अर्चना करता लो और जे भी मनोकामना बाटे रक्षा ध्वज अपन बनाता लो और पूजा अर्चना करके बाहर ही निकल जाता लो। अब चली आगे चल के प्रयास करें जहाँ जग होला, जहाँ पर हम कह सकत नहीं कि जग के भंडारा होला, ये भंडारा काफ़ी ज़्यादा फेमस हटे और काफ़ी ज़्यादा लोग वो भंडारा खा के ही जाला। देखिए आनंद बाग मठ में मौजूद बानी, जैसे कि रोगा का पता होता नहीं कि जो मठ के सबसे प्रसिद्ध कह सकत नहीं कि प्रसाद हटे, देख सकते हैं कि पूरी और खीर बा सब्जी बाटे, जे भी भक्तगण आवेला जरूर पूजा जौन प्रसाद खा के ही जला। हम देखा के प्रयास करते नहीं कि महिला को चाहे पुरुष को सब केहू आपस में आके मिलजुल के प्रसाद ग्रहण करताटे और जे भी सदस्य मंडली बाटे मठ में जे भी मंडल के सदस्य बाटे काफ़ी बेहतर तरीका से जे भी श्रद्धालु बाटे खाना खियावल जाताटे, मने प्रसाद वितरण करावल जाताटे। अच्छा ये बताओ प्रसाद में का बाटे? खीर बा, पूरी बा, सब्जी बा। अच्छा, लगभग कितना लोग खा ले लगभग? लगभग बहुत लोग 20,000 से ज्यादा। 20,000 से लगातार से मैंने 50,000 आदमी खा ला यहाँ हर साल। हर साल 50,000 आदमी खा ला। हाँ, प्रसाद ग्रहण करके ही जितना लोग आई मैंने अनलिमिटेड भाव करे थी नहीं रोकने खियाते जला खियाते जाएगा भाव में। जौन व्यवस्था कहाँ से कही? पूरा गांव 5-6 गांव मिलकर, पूरा 5-6 गांव मिलकर मेगा उबधी गांव, उबधी बकरी, सोनवर्षा, नौलपुर, माधवापुर, छितौली, सब गांव मैंने 7-8 गांव एरिया जौन बा सबके उसे ले लेके, जैसे कि जे भी बा मैंने बहुत दूर दूर से आवेला ले के आवेला आलिया के अपन अपन देला, मैंने जितना समर्थन कर सके वो आदमी करेला। जेकर दूर दूर से आवेला मान ली जे भी जेकरा इच्छा करेला वो आके अपन देला, स्वेच्छा जौन बुझा जेकरा इच्छा करे वो आके दी, जौन दी तौन हमनी के रख लेनी सर। हाँ, प्रसाद वितरण वो प्रसाद होला सबके खिलाए नी सर। 50,000 मतलब लोग खिया दे अनलिमिटेड, मतलब जो भी है जितना लोग आए जितना अभी मतलब गिनती नहीं की सकल नहीं गिनती। अच्छा रोबाई खुद मेला से अंदाज़ा लगा सकता नहीं कि 50,000 से अधिक लोग खाली प्रसाद वितरण करेला और प्रसाद वितरण करके और इसे जाला लगातार 2 दिन चलेला, तो मतलब हजारों लोग के संख्या हम दिखाए के प्रयास करते नहीं कि आगे चल के दिखाई कि चारों तरफ लोग बैठ के प्रसाद ग्रहण करता, इसमें कोनो प्रकार का भेदभाव नहीं के कोनो भी जाति धर्म मजहब केहू भी हो को जी अपन आके प्रसाद ग्रहण कर सकताटे। लगभग देख सकते नहीं कि बहुत सारा लोग ए जी से प्रसाद ग्रहण करके तब घरे जाला। बहरहाल जौन भी देखनी कि रवा देख सकते नहीं कि जे भी व्यवस्थापक बाटे ई मठ के
जे भी व्यवस्था करावल ताटे काफ़ी सुंदर तरीका से करावल ताटे जौन भी चीज़ बार वो बारीकी से देखनी कि जन आनंद बाग मठ जौन बाटे एक जौन मेला लगेला एगो बिहार स्तर ही ना भारत स्तर पर भी एक मान्यता प्राप्त बा काफ़ी दूर दूर से लोग ये पूजा अर्चना करे खातिर आवेला और एजी के जौन भंडारा बाटे ये भंडारा ग्रहण करे के जरूर जाला। देखिए एजी के स्थानीय मुखिया बाटे बखरी पंचायत के रूपेश कुमार सिंह जी के द्वारा जे भी भक्तगण बाटे जे भी श्रद्धालु बाटे ओकरे खातिर पानी के व्यवस्था कैल गेल बाटे जूस के व्यवस्था कैल गेल बाटे तमाम सभी चीज के विधिवत व्यवस्था कैल गेल बाटे। हरेक साल मुखिया जी के द्वारा एजी विधिवत व्यवस्था कैल जाला और देख सकते हैं कि प्रशासन के भी लोग एजी बैठल बाटे शिविर में काशी के कोनो प्रकार का अनहोनी ना हो ओकरा के रोके खातिर तमाम सभी दंड अधिकारी भी मौजूद वालो आई मुखिया जी समझाने का प्रयास करते नहीं कि तैयारी कब से चलता टे और यहाँ का हर एक साथ शिविर लगाए नहीं। रूपेश मुखिया जी मौजूद बनी मुखिया जी ये बताएं कि इस शिविर रवे द्वारा लगावल गई बट जब से मुखिया बनने 2016 में अब पहले में मेला घूमे आई सन तो यहाँ पानी के बड़ा दिक्कत रहे पानी ना मिले बड़ी गर्मी होके कुछ व्यवस्था ना रहे कहीं एथी ना रहे जब से मुखिया बनी तब से हम हर साल के भांति इस साल भी मैंने पानी पेयजल शरबत दवा हर चीज़ के मैंने यहाँ व्यवस्था रखे नहीं जे भी आवे दूर दराज से कोई के दिक्कत ना हो कोई कठिनाई ना हो के सारा श्रद्धालु लोग के यहाँ हर व्यवस्था हम करे नहीं आ हर साल होला आगे भी मैंने इससे भी बढ़ चढ़ के मैंने कही जाए यह प्रशासन के बहुत बड़ भूमिका बा बहुत मैंने व्यवस्था बा हर जगह पर प्रशासन कम से कम 200 प्रशासन यहाँ बा जो कोई के दिक्कत ना हो कोई परेशानी ना हो के एक के लिए हर लोग तैनात बावे कोई परेशानी कोई श्रद्धालु के कोई परेशानी ना हो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आवे लावे आ हर साल रक्षाबंधन के यहाँ मेला लागेला वो मेला में अपन जितना हमारा शक्ति श्रद्धा जितना होला उतना सेवा भाव से हर लोग के हम करेनी। मुखिया जी ये बताएं कि प्रशासन का काफ़ी मुस्तैदी दिखाई देते थे कहाँ कहाँ के थाना मौजूद बटे सिसवन चैनपुर हसनपुरा आंदर रघुनाथपुर जिला से भी फोर्स आई बा मैंने प्रशासन के यहाँ बहुत मैंने अथी बाबे कोनो यहाँ चोरी छमारी छिनताई कोनो परेशानी कोई पब्लिक के ना होके एक लेके प्रशासन के पूरा भरपूर सहयोग बाबे। अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर भी मौजूद बा डॉक्टर भी हॉस्पिटल रेफरल सिसवन के डॉक्टर भी यहाँ मौजूद बारेन कोई के तबियत खराब हो जाए कुछ भी हो जाए एम्बुलेंस भी खराब ही है बाबे जो कोनो परेशानी हो अगर यहाँ कंट्रोल ना हो तो एम्बुलेंस के माध्यम से सिसवन भेजल जाए सिसवन ना कंट्रोल जिला भेजल जाए जिला से ना कंट्रोल तो पटना भेजल जाए सब व्यवस्था दवा बीरो सबको फ्री सेवा पावे। देख सकते नहीं कि मुखिया जी के तरफ से शरबत के व्यवस्था कैल गेल बाटे और हम दिखाए के प्रयास करें कि कैमरा पर्सन दिखा दे कि दू गो शिविर बाटे और शिविर 2016 से जब से मुखिया जी बनल बने तब से ही जो शिविर के आयोजन कैल जाता काफ़ी बेहतर लगा था कि मेडिकल के सुविधा भी मौजूद बटे। अब कहें कि थोड़ा सा हैने आ जाए ऐसा ही हमारे साथ मौजूद बनी शाहनवाज सर जी देख सकते यहाँ के भी सिसवन थाना चैनपुर थाना और मतलब जिला के तमाम सभी टीम आके कैंप करते थे कोनो प्रकार का अनहोनी ना हो उनक से रोवा खुद पता लगा ले वो कैम कि हम कहाँ आए बनी ये बिहार के सबसे सुप्रसिद्ध मेला हटे बकरी के मेला जो सरकार जी के मठ पर हर एक रक्षाबंधन के दू दिन तक ले लागेला उहे पहुँचल बनी और देखाए के प्रयास करते नहीं कि देखी मेला के रौनक कितना खूबसूरत बाटे और मेला जो लगावल जाला लगभग रात में एक अलग ही एक देखे के मिलेला और चार चांद लग जाला देख सकता नहीं कि एक से बढ़कर एक झूला बाटे डांसिंग झूला बाटे और मतलब बहुत तरह के खाए पिए के भी सामान हो जाए कैमरा पर्सन से कैम के दिखाए के प्रयास करो कि देखिए ये टावर वाला जौन बाटे झूला हटे जौन युवा के सबसे अधिक पसंद हटे और युवा सबसे अधिक पसंद करे भाई लोग मौजूद बटे पूछे का प्रयास करते नहीं कहाँ कहाँ से लड़ो भाई कहाँ से लड़ो बिना के नाम पर मटिया से। अच्छा ये मेला के बारे में कौन साल से मेला होता रहो बहुत साल से होता मेला अच्छा लगे ला अच्छा बताओ कि मेला के सबसे खास रौनक कौन बटे पूरा झूलवा लुआ तू कहाँ से लड़ो नवलपुर से मजा होता मेला देखे में मजा होता अभी झूला झूला हुआ कि ना झूलने टावरवा पर थी पर डांसिंग झूला पर टावरवा पर नाव वाला पर मजा अल नाव वाला पर मजा अल नाव वाला पर बहुत मजा अल
नहीं चढ़ल ना चढ़ल मैंने बहुत मजा आयल डर ना लगत रहो काहे डर लगे हमनी के आज से ना बचपन से यहाँ झूला के कहाँ घर पड़ी नवलपुर यहीं पड़ी अच्छा नवलपुर अच्छा ये बताओ कि तैयारी दो दिन तक ले रहेला हाँ ये अढ़ाई दिन तक ले रहेला अढ़ाई दिन तक मिला रहेला अच्छा बताओ कि कहाँ कहाँ से लोग मेला देखे खाती हाँ बहुत दूर दूर से आदमी आवे देखे खाती मेला जी विशेषकर रक्षाबंधन के पूजा होला का रक्षाबंधन के हम के सरकार जी के अथी करवा हाँ सरकार जी तो यहाँ जग होला बहुत भारी जग होला देखिए हम देखाए के प्रयास करता नहीं कि देख सकता नहीं कि युवा वर्ग के काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद बटे और देखिए नाव वाला हटे नाव झूलवा झूली और देखिए उन्हें रेलगाड़ी वाला झूला बटे जो वह आराम से झूल सकता नहीं भाई लोग जो मौजूद बटे सिस्टम है ना वो देखिए बहुत सारा युवा वर्ग के लोग घूमता था देखा